उखरगोन में कलेक्ट्रेट भवन के पीछे जापान की मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया गया। कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ड ने इस नवीन तकनीक के सहारे कलेक्ट्रेट भवन के आसपास और क्षेत्रों में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ने कहा कि इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पौधे 3 से 4 गुना अधिक गति से वृद्धि करते हैं, जो निश्चित तौर पर काफ़ी सफल प्रयास होगा। ये अभी हमने NVDA के गेस्ट जो इनका कॉलोनी है, इसमें लगभग 9 महीने पहले मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए थे 1000 स्क्वायर फीट में। 1000 स्क्वायर फीट में था मतलब 100 स्क्वायर मीटर, और उसमें लगभग 700 से 800 पौधे लगे। वो आज 3 साल के पौधों के बराबर हो गए। उसको देखकर, उस एक्सपेरिमेंट की सफलता को देखकर, ये मियावाकी पद्धति से यहाँ पौधरोपण स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 4 पौधे, छोटे, मिडिल साइज और बड़ी साइज, इस टाइप की एक सिस्टम है उस में लगाए जाते हैं, और ये 3 गुना स्पीड से बढ़ते हैं। यानी 1 साल का पौधा 3 साल जैसा बड़ा हो जाएगा। इस पद्धति में हम गाय का मूत्र और गाय का गोबर उपयोग किया गया है, गुड़ का उपयोग किया गया है, और इस पर थोड़ा सा सावधानी बरतें तो हमारे 100% पौधे सर्वाइव करें। जिले में सर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो क्या इसी पद्धति से सर लगाए जाने लगे? नहीं, ये पद्धति थोड़ी सी महंगी है। इसमें 1 मीटर अंदर खोदना पड़ता है, उसके बाद उसके मूत्र और गोड़ वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा महंगा है, इसलिए सभी जगह तो ये पद्धति उपयोग नहीं की जा रही, लेकिन धीरे धीरे करके इस पद्धति से अधिक मात्रा में पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें LNT भी सामने आया। LNT भी 30 लाख रुपये खर्च करके मियावाकी से पौधे लगाए। अभी कितने पौधे लगाए जा रहे हैं सर? अभी इस समय हमारा मकसद तो है 25,000 पौधे का, लेकिन अब जमीन भूमि की देखनी पड़ेगी, कितनी भूमि है अवेलेबल है, कितने पौधे लग रहे हैं। 25,000 पौधे अभी यहाँ लगने हैं। माना जाए कि सर 5 साल में जो जंगल बनता है वो 2 साल में तैयार हो जाएगा? 5 साल में जो जंगल बनता है वो 2 साल में तैयार हो जाएगा, और यहाँ 25,000 पौधे तो लग जाएंगे, और जमीन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे पौधे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।